हेलो है, नमस्कार। स्वागत है आप सबका रॉयल एस एकेडमी के इस चैनल पर, जहां पीआईबी 20 मिनट्स एक नई सीरीज चला रहे हैं हम, केवल और केवल यूपी पीसीएस के लिए। यूपी पीसीएस का एग्जाम जो 24 अक्टूबर को होना है, करेंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे ऑथेंटिक जो सोर्स है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहां से शुरुआत करते हैं। 31 जनवरी 2021 के न्यूज से क्या खास था इस दिन, ये देखते हैं हम। प्रबुद्ध भारत, पीएम ने एड्रेस किया था 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंसी आप ऐसा कह सकते हैं। ये जर्नल स्टार्ट किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। 125th एनिवर्सरी है, प्रधानमंत्री खुद आते हैं एड्रेस करने के लिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। और प्रबुद्ध भारत, स्वामी विवेकानंद के द्वारा एक जर्नल स्टार्ट किया गया था, 125वां एनिवर्सरी उसका मनाया गया। प्रबुद्ध भारत एक जर्नल है, मंथली जर्नल है, महीने में आने वाली मैगजीन है, इसका एड्रेस किया था प्रधानमंत्री ने खुद। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आप इसमें चाहें तो प्रबुद्ध भारत के आर्टिकल्स देख सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपली क्वेश्चन आ जाएगा कि 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में मेन स्पीकर कौन थे, तो मेन स्पीकर थे प्रधानमंत्री। प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था। बात हम आगे करेंगे। INHS अवनी, INHS अवनी, INHS अवनी, इनफैक्ट अश्विनी, नॉट अवनी, अश्विनी, ये इंडियन नेवी का हॉस्पिटल का नाम है, किसी एयरक्राफ्ट का, किसी वॉरशिप का नाम नहीं है। ये एक हॉस्पिटल है, फ्लैगशिप हॉस्पिटल है इंडियन नेवी का। तो अगर क्वेश्चन आता है कि INHS अश्विनी क्या है, तो जनरली हम सोचते हैं कि कोई चलता फिरता बोट होगा, कुछ ऐसा होगा जो वॉरशिप टाइप का होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। INHS अश्विनी इंडियन नेवी का फ्लैगशिप हॉस्पिटल है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 45th रेजिंग डे मनाया है। सवाल है कि इंडियन कोस्ट गार्ड अगर 45th मना रही है, तो आज 2021 चल रहा है, यानी 20 से पहले 24 साल और आप पहले जाइए। 1 फरवरी को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे। इस दिन इसे इस्टेब्लिश हुआ था इंडियन कोस्ट गार्ड 1978 में, 1978 में। इसका जो मोटो है वो है व्याम रक्षामा, ये संस्कृत का शब्द है, वयम रक्षामा। वयम का मतलब होता है हम लोग, रक्षामा का मतलब रक्षा करेंगे, हम लोग रक्षा करेंगे, या इंग्लिश में देख सकते हैं आप, वी प्रोटेक्ट। इंडियन कोस्ट गार्ड 1 जनवरी को अपना रेजिंग डे मनाता है। 1978 में इंडियन कोस्ट गार्ड को फॉर्म किया गया था। इसका मोट्टो है बी प्रोटेक्ट, वयम रक्षामः। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव बिगिन से अक्रॉस द कंट्री। पोलियो अभी भी कंट्री से खत्म नहीं हुआ है। इसमें कुछ खास देखने को तो नहीं मिलेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन एड्रेस ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजन, बैपियो। स्टेट पीसीएस का भरोसा आप नहीं कर सकते। अगर वो इंडिया आइडिया समिट पूछ सकता है, तो फिर वो बैपियो तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। बैपियो का पूरा नाम है ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडिया में पैदा हुए वो लोग जो ब्रिटेन में जाकर डॉक्टर बन गए हैं, इनको एड्रेस किया था इनके एनुअल कॉन्फ्रेंस पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो जनवरी तक हेल्थ मिनिस्टर थे। सिनेमा हॉल कैन ऑपरेट 100% कैपेसिटी, जनवरी में ऑर्डर दे दिया गया है। ये सारे के सारे बाकी जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, आप डिटेल में देख सकते हैं जाकर। यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, स्मृति जुबिन ईरानी इनॉग्रेट करती हैं 8th इंडियन इंटरनेशनल सिल्क फेयर को। आपको याद होगा एक प्रोग्राम आया है टेक्सटाइल पार्क का, टेक्सटाइल पार्क, 7 टेक्सटाइल पार्क कंट्री में ओपन किए जाने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर कुछ खास नहीं है इसमें। खेलो इंडिया जस्कर विंटर स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट, खेलो इंडिया का जो विंटर सेशन है वो जस्कर में, लद्दाख में शुरू किया गया था, पता होगा आपको।
31 जनवरी से ये न्यूज अपने पास है। चलते हैं अगले डेट पर, 30 जनवरी के न्यूज को देखते हैं, उस दिन क्या था ऐसा कुछ खास। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग सिंडिकेट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉन्ट्राबैंड सीड्स। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ MoEF के लिए काम करती है। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर इसके ओवरऑल मॉनिटरिंग कैंडिडेट होते हैं। वाइल्ड लाइफ कंट्रोल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो IPC CRPC किसी का भी यूज कर सकती है। आप देख सकते हैं प्रकाश जावड़ेकर ने खुद ही जो चीजें, ये आप देख सकते हैं टाइगर का वो स्किन है, इन्होंने खुद उसे ट्वीट किया था। आगे बढ़ते हैं, स्टेटस ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो केरला में जनवरी के फर्स्ट वीक में ब्रेकआउट हुआ था, इसके बारे में बातें की गई हैं। अगले आर्टिकल को देखा जाए, MPs टू प्ले एन एक्टिव रोल इन मेकिंग जल जीवन मिशन ए जन आंदोलन। जल जीवन मिशन बहुत ज्यादा फोकस किया गया है जल जीवन मिशन पर, तो कभी फुर्सत में इसे जरूर एक बार डिटेल में सर्च कर लें। जल शक्ति मिनिस्ट्री लास्ट ईयर इसे फॉर्म किया गया था, न्यूली फॉर्म है। एक आर्टिकल आया है, अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, याद होगा नेपाल में है ये और इंडिया के सहयोग से चलाया जाता है। सतलज जल विद्युत निगम ऑपरेट करता है अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को, 679 मेगावाट का है ये। वाइस प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया था ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव। आदि महोत्सव एक एनुअल फेस्टिवल मनाया जाता है, ये कई दिन तक चलता है आदि महोत्सव। इस बार जो इनॉग्रेशन किया है आदि महोत्सव का, वाइस प्रेसिडेंट ने खुद किया है। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ट्राइफेड के द्वारा, ट्राइफेड ट्राइबल्स के लिए काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। 1 फरवरी को इसे इनॉग्रेट किया गया था। आदि महोत्सव ट्राइबल कल्चर को, उनके क्राफ्ट को, उनके जो कसंस होते हैं खाने पीने की चीजें, उनके कॉमर्स को लोगों के सामने लाती है। ट्राइफेड ने 2020 में आदि महोत्सव नहीं सेलिब्रेट किया था ड्यू टू द रीजन ऑफ कोविड, बट इस बार दिल्ली हार्ट में फिर से शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, इंक्लूजन ऑफ 14 न्यू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स अंडर द मैकेनिज्म ऑफ मार्केटिंग ऑफ माइनर प्रोड्यूस फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम। फॉरेस्ट ड्वेलर के लिए एक एक्ट है, फकरा बोलते हैं उसको, FCRA। उसमें ये प्रोविजन है कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को माइनर प्रोड्यूस, माइनर प्रोड्यूस का मतलब होता है पेड़ की पत्तियां सूखने के बाद गिर जाती है, छोटे छोटे टहनियां, वो लकड़ी सूख कर गिर जाती है, तो वो सब फल फूल, वो सब वो क्या मार्केटिंग कर सकते हैं जो ट्राइब वहां पे रह रहे हैं। 14 नए फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को उस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, जहां लिखा हुआ है कि कितनी चीजों को जो रहने वाले ट्राइबल्स हैं फॉरेस्ट में, वो एज ए मार्केटिंग टूल, एज अ इकोनॉमिक रिसोर्स यूज कर सकते हैं। अब टोटल जो है उसमें 23 हो गया है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टोटल 23 हो गया है 24 ऐड करने के बाद, ये याद रहे आपको। आप यहां देख सकते हैं ये माइनर प्रोड्यूस हैं सारे, कॉटन वगैरह के वो दिख रहे हैं आपको जो रेशे से बनते हैं, और यहां लिस्ट दिया हुआ है प्रॉपर कि कौन कौन सा आता है माइनर प्रोड्यूस में, कौन कौन सा आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर कितने हैं ये इंपॉर्टेंट है, टोटल 23 हैं, याद रहे आपको। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, 29 जनवरी के आर्टिकल की तरफ रुख करते हैं। 29 जनवरी का कौन सा आर्टिकल अपने लिए इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट को यह पावर दिया गया है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल के तहत, उन्होंने वही काम किया है, 8-10 लोगों को बुलाया है, 108 नंबर आर्टिकल। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस प्रबुद्ध भारत का 125वां, पहले भी हम देख चुके हैं, 31 जनवरी को मनाया है, प्रबुद्ध भारत जनरल था, स्वामी विवेकानंद ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं,
इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज फॉर दिसंबर, हर मंथ ही आता है तो इंडेक्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इनके वेटेज इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज्यादा है अभी इसमें। मीटिंग हेल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विद द स्टेट्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन टू इंप्लीमेंट अ स्कीम टू इनहेंस एथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी इन द कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। एथेनॉल 2024 तक 30 तक इनफैक्ट टारगेट रखा गया है कि 20% पेट्रोल में मिलाया जाएगा। इनफैक्ट इसे अभी 2025 तक किया गया है, पहले 2023 था, फिर 30 किया गया, फिर वापस 25 किया गया है। तो आपको 2025 याद रखना है, 20% ब्लेंडिंग टारगेट है। शुरुआत हुआ था ये 2% से, फिर 4% हुआ, फिर 7% हुआ, करेंटली 10% चल रहा है। और 2022 तक हर हाल में 10% हर जगह होना चाहिए, 25 तक 20% होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल का मतलब होता है कि ऐसे फीड स्टॉक्स जो सुगर केन से राइस जो अवेलेबल होते हैं विद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो उनके पास रह जाते हैं जरूरत से ज्यादा, मेज हो गया, मक्का, इन सबसे जो एथेनॉल मिलता है हमें, उसे हम फर्स्ट जनरेशन मेथेनॉल कहते हैं, सॉरी एथेनॉल, एथेनॉल और मेथेनॉल। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, दोनों दो चीज है। मिथाइल अल्कोहल से आदमी मर जाता है, एम से मर जाता है, एम से मिथाइल अल्कोहल पीने से, एथेनॉल से नहीं मरता है। एथेनॉल को फ्यूल के जैसा यूज किया जाता है। इसमें कौन कौन से इंडस्ट्रीज शामिल है, SHM शामिल है, ISMA शामिल है, AIDA है, NFCSF है, और FCI तो है ही, वही तो चावल देगा, वही तो राइस देगा, जो जरूरत से ज्यादा राइस रहेगा। सो ये एथेनॉल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप मिस नहीं कर सकते, घुमा फिरा के क्वेश्चन जरूर आएगा। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। INFAC T81 decommissioned का मतलब होता है नौकरी से निकाल दिया गया। इंडियन नेवल फास्ट ट्रैक अटैक क्राफ्ट था ये, इन फैक्ट T81 MK2 क्लास का, बहुत पुराना था ये, 20 साल तक सर्विस में रहने के बाद उसे decommissioned कर दिया गया है। या तो म्यूजियम में अब रखा जाएगा, या फिर उसे रिसाइकल करके नई चीजें बनाई जाएंगी। T81 क्या था, ये एक नेवल फास्ट अटैक क्राफ्ट था जिसे डीकमीशन्ड कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। एरो इंडिया, DRDO फैसिलिटेट करता है एरो इंडिया को, जनरली बेंगलोर में होता है, इस बार ये यूपी में हुआ था तो इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया, जनरली ये बेंगलोर में होता है, अच्छा इस बार भी 2021 में भी बेंगलोर में ही हुआ है। DRDO तो मे बी शायद 22 में ये यूपी में प्लान है, लखनऊ या नोएडा में करने का, जनरली ये बेंगलोर में ही होता है, 13th एडिशन था ये। यहाँ पे नए नए जो डेवलपमेंट होते हैं डिफेंस से रिलेटेड, उनको एग्जीबिश किया जाता है, एग्जीबिशन करवाया जाता है उनका। जो मेजर अट्रैक्शन था वो था LCA तेजस, जिसका इंजन अभी हाल ही में चेंज करने की बात की गई है और रसिया से इंपोर्ट करने की बात कही गई है। LCA तेजस, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे में इंटरेस्टेड हैं तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती है। 2020-21 का समरी दिया हुआ है, हम इसे डिटेल में कभी और देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे का जो हाईलाइट है उसे भी कभी और देखेंगे, हम किसी और आर्टिकल पे देखेंगे। फिलहाल हम न्यूज आर्टिकल को करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल आया है कि इंडिया का रिस्पांस कोविड-19 बेस्ड ऑन एपिडेमियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक रिसर्च स्पेशली दोज पर्टेनिंग टू द स्पेनिश फ्लू। इकोनॉमिक सर्वे ने कोविड-19 को स्पेनिश फ्लू से लिंक किया था। जब इकोनॉमिक सर्वे करेंगे हम तो सही से देख लेंगे। इकोनॉमिक सर्वे का सलाह है कि पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग को 1% से बढ़ा करके कम से कम 3% किया जाए और मिनिमम 2.5% रहे GDP का। इसमें लगभग सारे आर्टिकल्स इकोनॉमिक सर्वे में जो चीजें दी गई हैं उनको एक एक करके बताया गया है। और इकोनॉमिक सर्वे को हम कवर करेंगे एक अलग आर्टिकल में। वी शेप्ड रिकवरी की बात की गई है कि पहले कम हुआ, फिर थोड़ा देर स्टेबल हुआ, फिर ये अचानक से बढ़ना शुरू हो जाएगा वी शेप में। देखते हैं अगले आर्टिकल को।
केवीआईसी, ये जो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, इसका काम है महात्मा गांधी के जो लेबर्स को लेकर के, विलेज को लेकर के जो उनके ड्रीम्स थे, मेरा मतलब सीधा सीधा है खादी से, खादी से बनी हुई चीजों को सप्लाई करना। अभी हाल ही में बीएसएफ से इनका साथ केवीआईसी का वो हुआ है कि सारी ड्रेस आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। केवीआईसी 1956 में बना था। देखते हैं अगले आर्टिकल को, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो अपने काम का हो, हम केवल और केवल उसी को देखते हैं। आर्टिकल्स तो बहुत सारे मिलेंगे बट अपने काम का हर एक आर्टिकल नहीं होता है। आ गए नेक्स्ट डेट में 28th को, 28th का देखते हैं क्या है ऐसा। पीएम पहुंचे थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जो डावोस में डायलॉगबाजी होता है हर साल, उसमें स्पीच देने के लिए। और नेक्स्ट आर्टिकल है, लाला लाजपत राय की जयंती पे पीएम ने ट्रिब्यूट किया था। पीएम बहुत एक्टिव हो गए हैं आजकल, क्या उन्होंने कुछ नया बोला या लाला लाजपत राय फोकस में हो सकते हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकता है हिस्ट्री वाले पोर्शन में। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, नेक्स्ट आर्टिकल, कला उत्सव 2020 एजुकेशन मिनिस्ट्री मनाता है कला उत्सव। हालांकि ये 2020 में नहीं मनाया गया था, 21 में मनाया गया है, बट ईयर वही है। NICSI 25th ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मना रहा है। MIT का एक ऑर्गेनाइजेशन है NICSI, एक बार देखते हैं कि ये NICSI है क्या। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर सर्विस इनकॉर्पोरेटेड, आपको याद होगा पिछली बार नीति आयोग के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में पूछा था, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछा जाना पीसीएस के लिए कोई नई बात नहीं है, यूपीपीसीएस के लिए। सो ये NICSI एक पब्लिक सेंटर इंटरप्राइज है, शॉर्टली आप इसको NIC भी कहते हैं, MIT के अंदर आता है ये, अपना 25वां बर्थडे मना रहा है, तो इम्पोर्टेंट है, यानी ये 1996 में एस्टेब्लिश किया गया था। NIC MIT का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है इंफॉर्मेशन टेक्निकल जो होते हैं इंटरनेट से रिलेटेड, इन्हें मॉनिटर करना A to Z। इसके अलावा और भी कई कॉर्पोरेट वर्क है इनके, हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश करना। देखते हैं अगले आर्टिकल को, नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान लॉन्च, इससे इंपॉर्टेंट न्यूज कुछ हो ही नहीं सकता। मरीन टर्टल एक्शन प्लान लॉन्च, कहां पर लॉन्च किया गया है हमें ये देखना है। न्यू दिल्ली में MOEF मिनिस्टर जो उस टाइम पे थे जावेदकर साहब, इन्होंने लॉन्च किया था नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान 2021-28 जनवरी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज इन्वायरमेंट से रिलेटेड उस दिन का, जनवरी के महीने का, कुछ और नहीं हो सकता। नया प्लान है टर्टल को लेकर के, आप पीसीएस का पेपर देते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं। ओवर 7500 किलोमीटर कॉस्ट लाइन है, ये एक अलग इंफॉर्मेशन है दिया गया है आपको। आपको डेट याद रहे, किसने किया, कहां पे लॉन्च किया, ये याद रहे, इतना बहुत है। ईयर ऑफ इंडो फ्रेंच अलायंस टुवर्ड्स ए ग्रीनर प्लानेट, 2021 को ईयर ऑफ इंडो फ्रेंच अलायंस के नाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडियन और फ्रेंच गवर्नमेंट। बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है फ्रांस पिछले कुछ सालों में इंडिया के, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों के बीच में इन्वायरमेंट क्लाइमेट को लेकर के काफी MOU साइन हुआ है, और आपको IES से जरूर याद होगा, इंडियन सोलर अलायंस, इंडिया फ्रांस अलायंस है एक्चुअली ये। कुछ जो चीजें हैं, जो डेटा है याद करने लायक, वो इस तरह से है, एज ऑफ 2020 रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया स्टैंड एट 90 GW, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 90 GW कंट्री के पास आ चुका है रिन्यूएबल एनर्जी, विच इंक्लूड्स 36 GW ऑफ सोलर एनर्जी एंड 38 GW ऑफ विंड एनर्जी। दूसरा इंफॉर्मेशन, विंड एनर्जी 2 GW सोलर एनर्जी से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है टोटल में, बाकी में जो छोटे छोटे चीजें हैं वो आ जाएंगी। टोटल 90 GW
एज ऑफ 2020 के एंड पर इंडिया की कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की। सो आज के 20 मिनट के आर्टिकल में इतना ही।